हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 321 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेक्चर 21 टोमेटो प्रोडक्ट्स। इन दिस लेक्चर आई विल कवर डिफरेंट टोमेटो प्रोडक्ट्स लाइक टोमेटो जूस, टोमेटो प्यूरी, टोमेटो केचप, सूप, कोकटेल, कंसंट्रेटेड ड्राई पाउडर एक्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। कमर्शियल टोमेटो प्रोडक्ट्स इंक्लूड जूस, प्यूरी, पेस्ट, केचप, सूप, कैंड एंड डिहाइड्रेटेड टोमेटोज। जो कमर्शियल या कह लो कि जो व्यावसायिक रूप से टमाटर के उत्पाद बनाए जाते हैं उनके अंदर टमाटर का रस आ जाता है, प्यूरी पेस्ट बनाया जाता है, केचप है, इसके अलावा सूप, कैंड और डिहाइड्रेटेड जो टोमेटोज होते हैं, कैंड से मतलब डिब्बा बंद किए हुए टमाटर, ठीक है। इसके अलावा डिहाइड्रेटेड जो सूखे हुए टमाटर रहते हैं, टमाटर को काट के टुकड़ों में उनको डिहाइड्रेट कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है, ठीक है। वो सारे के सारे उत्पाद व्यावसायिक रूप से यूज किए जाते हैं। एज ए सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट टोमेटो प्यूरी इज प्रिपेयर्ड ऑन ए स्मॉल स्केल वाइल टोमेटो पेस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए लार्ज स्केल। एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में जो प्यूरी है इसको छोटे स्तर पर बनाया जाता है, ठीक है, घरेलू स्तर पर बनाया जाता है या कह लो, ठीक है, छोटे स्तर पर बनाया जाता है। सेमी फिनिश्ड से मतलब होता है कि आप जो भी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है इसको आप सीधा यूज नहीं कर सकते, मतलब इससे आप किसी न किसी उत्पाद बनाने के लिए अंदर यूज करोगे, जैसे सूप है, केचप है, इसको तो आप सीधा यूज कर सकते हो, ठीक है। पर जो सेमी फिनिश्ड होते हैं उनसे आगे, जैसे आपको सूप बनाना है तो प्यूरी यूज कर लो, या फिर केचप आपको बनाना है तो प्यूरी यूज कर लो, तो यूज किए जाते हैं। जबकि आगे जो टोमेटो पेस्ट है उसको लार्ज स्केल के ऊपर बनाया जाता है, बड़े लेवल, बड़े स्तर पर उसको तैयार किया जाता है। बोथ प्यूरी एंड पेस्ट आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाइक केचप, जूस, सूप एक्सेट्रा। जो दोनों के दोनों प्यूरी और पेस्ट हैं, इन दोनों का ही उपयोग बहुत से अंतिम उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि जिनको आप यूज कर सकते हो, जैसे केचप बनाने के लिए भी यूज़ होता है इनका, सूप बनाना है, जूस बनाना है, तो प्यूरी और पेस्ट का यूज किया जाता है टमाटर के। देन फर्स्ट जो उत्पाद है टोमेटो जूस और पल्प। राइप एंड फुली रेड टोमेटोज आर यूज टू मेक दिस द जूस। पूरे पके हुए और पूरे लाल रंग के जो टमाटर रहते हैं उनका यूज़ किया जाता है जूस बनाने के लिए। ऑल ग्रीन ब्लेमिश्ड एंड ओवर राइप फ्रूट्स शुड बी रिमूव्ड। जो हरे होते हैं टमाटर, मतलब अपने पूरे रेड रेड कलर के टमाटरों का चुनाव करना है, जो हरे रंग के हैं या उनके अंदर कोई धब्बा दाग है या फिर बहुत ज़्यादा पके हुए टमाटर हैं, बहुत ही ज़्यादा गलने वाले हो चुके हैं, तो उनको अलग कर देना चाहिए। द यील्ड कलर एंड टेस्ट ऑफ द जूस डिपेंड ऑन द राइपननेस एंड वैरायटी ऑफ द टोमेटो। जो रस की उपज है, यानी कि कितना रस बनेगा, जब उस रस का जो कलर है हल्का होगा या डार्क होगा या किस कलर का होगा, या फिर उस रस का जो टेस्ट, जो स्वाद है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी किस्म से आप रस बना रहे हो, ठीक है, या फिर कितना वो उसने पकाव ले रखा है। अगर कच्चे टमाटर हैं, अभी ज़्यादा पके हुए नहीं हैं, तो उस टमाटर के रस का जो टेस्ट होगा वो अलग होगा, ठीक है। वॉश टमाटोज थ्रोली विद वाटर। टमाटर्स जो होते हैं, जो उनको अच्छे तरीके से धो लिया जाता है। दे आर क्रश्ड बाय मीन्स ऑफ ए वुडन रोलर क्रशर। उसके बाद लकड़ी के जो रोलर टाइप के क्रशर रहते हैं कुचलने वाले, ठीक है, उनसे उनको कुचल लिया जाता है, जब उनकी एक लुगदी तैयार कर लेते हैं, मतलब टमाटर को थोड़ा पहले रगड़ लिया जाता है, ग्राइंड कर लिया जाता है एक तरीके से, ठीक है, रोलर से। टोमेटो जूस इज आइदर हॉट और कोल्ड पल्प। उसके बाद जो आपका क्रश किया हुआ मैटर है, ठीक है, उससे पल्पर के अंदर डाल के हॉट या फिर कोल्ड विधि के द्वारा उसमें से पल्प को अलग कर लिया जाता है, पल्प और जूस को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। इट कैन आल्सो बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू ए स्क्रू टाइप जूस एक्सट्रैक्टर। इसको जो स्क्रू टाइप जूस एक्सट्रैक्टर होते हैं उनसे भी अलग किया जा सकता है। स्क्रू टाइप जूस एक्सट्रैक्टर का एग्जांपल दूं तो मैं आपको, कि आपने कई बार रेडी वाले जो जूस लगा वाले होते हैं, ठीक है,
जैसे कोई किन्नू का, मौसमी का जूस निकालने वाले रहते हैं जिनके पास एल्यूमिनियम की मशीन होती है, ठीक है, कुछ उस तरीके के बड़े जूस एक्सट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, उनको स्क्रू टाइप का कहते हैं, क्योंकि उनमें एक स्क्रू अंदर रोटेट होता रहता है जिससे जूस एक साइड निकलता रहता है और जो पल्प होती है उसके अंत में निकलती रहती है। उसके बाद न्यूट्रलाइज द एस्टिजन टेस्ट ऑफ द जूस, 0.4 to 0.6% साल्ट इज मिक्स्ड विद द जूस। जो उस टमाटर के रस का एस्टिजेंसी है, मतलब उसमें थोड़ी बहुत आपको कड़वाहट सी फील होगी, उस टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको दबाने के लिए उसमें 0.4 to 0.6% नमक मिला देते हैं, ठीक है, जूस के हिसाब से। समटाइम्स शुगर इज आल्सो एडेड टू इम्प्रूव द टेस्ट। और कभी कभी क्या होता है कि अपने उस जूस के टेस्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें कुछ लगभग 1% शुगर भी ऐड कर देते हैं जिससे उसका स्वाद थोड़ा मीठा भी हो जाता है। जूस इज पैक्ड इन ग्लास बोटल्स और कैंस। और जूस जो होता है उसको कांच की बोतलों के अंदर और फिर कैंस जो होते हैं उनके अंदर पैक किया जाता है। टोमेटो पल्प जूस इज बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस टोमेटो प्रोडक्ट्स लाइक टोमेटो प्यूरी, पेस्ट, केचप एक्सेट्रा। जो टोमेटो पल्प और जूस बनाते हैं ये बहुत से अपने, मतलब ये भी एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है कि इनको बहुत से आगे उत्पाद बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जूस को सीधा भी यूज किया जा सकता है और पर जूस को आगे आप उससे पेस्ट, प्यूरी, केचप, ठीक है, बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ टोमेटो जूस। मेथड क्या होता है टोमेटो जूस बनाने का, तो पहला है वॉशिंग, पहला स्टेप रहता है उसको धोना। टोमेटो शुड बी थ्रोली वॉश्ड अंडर रनिंग वाटर टू रिमूव डर्ट फ्रॉम क्रैक्स, रिंकल्स, फोल्ड्स और कैविटीज एंड ऑफ द फ्रूट्स विच आर नॉट इजिली रिमूव्ड बाय वॉशिंग। टोमेटो जो हैं, टमाटर हैं, उनको बहते हुए पानी में ढंग से या अच्छे तरीके से धो लिया जाता है, जो उनके अंदर दरारें होती हैं, दो उनके अंदर झुर्रियाँ होती हैं, तहें रहती हैं, उनके अंदर जो मिट्टी फंसी हुई है वो आसानी से रिमूव नहीं होती, उसको बहते पानी के अंदर धो लेते हैं जिससे कि वो निकल जाए, मिट्टी ढंग से निकल जाए। देन क्रशिंग दूसरा स्टेप रहता है धोने के बाद। आफ्टर सॉर्टिंग द टोमेटोज आर कट इन टू 4 to 6 pieces टू एक्सट्रैक्ट द पल्प। अल्टरनेटिवली दे कैन बी क्रश्ड थ्रू फ्लूटेंट रोलर क्रशर और बाय प्रेसिंग थ्रू ए फ्रूट ग्रेटर। जैसे ही फलों को धो लेते हैं, धोने के बाद उसमें से जो भी सड़े गले या जो भी आपको फल कच्चे लग रहे हैं या ओवर राइप हो गए उनको छांट देते हैं, उनको अलग निकाल देते हैं, उनकी सॉर्टिंग कर देते हैं। उसके बाद फलों के टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है, टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, किसी के 6 कर लो, भले 4 कर लो, कितने भी टमाटर के पीस कर लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी पल्प को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पल्प को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्लूट रोलर क्रशर भी यूज कर सकते हो, इसके अलावा फ्रूट ग्रेटर भी यूज कर सकते हो कि जिससे कि वो क्रश हो जाए, ठीक है, उनकी लुगदी बन जाए। अपने अभी पल्पिंग नहीं कर रहे, सारे के सारे टमाटर जो पूरा का पूरा है जिसमें बीज भी है, छिलका भी है, उस सारे को अपने को पीस लेना है, उसको लुगदी बना लेनी है। देन पल्पिंग, टोमेटो पल्प कैन बी एक्सट्रैक्टेड आइदर बाय क्रशिंग विदाउट हीटिंग, कोल्ड पल्पिंग बोलते हैं, और बाय प्रेसिंग थ्रू ए पल्पर आफ्टर क्रशिंग और बॉइलिंग होल टोमेटोज अंटिल सॉफ्ट। जो टोमेटो की पल्प है उसको एक तो कि जो क्रश किया हुआ मटेरियल है आपका, ठीक है, अभी आपने पहले क्रश किया है, उसको बिना गर्म किए हुए आप कोल्ड पल्पिंग विधि से उसको पल्प को अलग कर सकते हो, पल्प और जूस को अलग कर सकते हो, या फिर क्या करोगे कि उसको तब तक उबालो जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए टोमेटो, उसके बाद उसकी पल्पिंग कर लो, मतलब क्रश किया हुआ जो मटेरियल है उसको तब तक उबालो, फिर उसमें से जो पल्प और जूस है उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। ड्यूरिंग पल्पिंग द फाइन जूस एंड पल्प पासिंग थ्रू द पल्प सीड्स आर कलेक्टेड व्हाइल द पील एंड सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर एंड। पल्पिंग के दौरान क्या होता है, जो साफ जूस होता है, पल्प होती है, ठीक है, वो तो जो छन्नियाँ रहती हैं पल्प छानने वाली उनके द्वारा कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और जबकि जो उसके बीज हैं, उसका छिलका है, वो दूसरे एंड जो अंत रहता है उससे बाहर निकल जाता है,
ठीक है, उससे बाहर निकल जाता है। जैसे स्क्रू टाइप के पल्पर आते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको, जो जूस वाले रहते हैं रेडी पे लगा के, एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं जिसको हाथ से वो चला रहे होते हैं, किन्नू मौसमी संतरे का जूस निकाल रहे होते हैं, उनमें आपने देखा होगा वो स्क्रू टाइप के होते हैं, ठीक है। उनमें एक साइड से फल ऊपर से डाले और नीचे रस निकलता रहता है, और एक साइड जो बिल्कुल अंत के अंदर उसमें छिलका और बीज निकलते रहते हैं। सेम वैसे ही उनसे पल्प को अलग कर लिया जाता है। पहला जो विधि है कोल्ड पल्पिंग। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि कोल्ड पल्पिंग क्या है, हॉट पल्पिंग क्या है, तो कोल्ड पल्पिंग और हॉट पल्पिंग में अंतर क्या है ये भी अपने देख लेते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज द कोल्ड ब्रेक प्रोसेस इन विच टोमेटोज आर क्रश्ड विद ए फ्रूट ग्रेटर आफ्टर बींग वॉश्ड एंड इमीडिएटली पास्ड थ्रू ए पल्पर टू एक्सट्रैक्ट द पल्प। इसको सामान्य रूप से कोल्ड ब्रेक प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्रेक प्रोसेस। और इसमें जो आपने क्रश किए हुए टमाटर होते हैं उनको, जिसको आपने अभी क्रश किया है ग्रेटर के द्वारा, फ्रूट ग्रेटर के द्वारा आपने उनको क्रश किया है, जहाँ आपने रोलर टाइप के क्रशर से उसको क्रश किया है, उनको धोने के बाद, ठीक है, उसके तुरंत बाद, क्रश करने के तुरंत बाद आपको उनको पल्पर के थ्रू जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब आप इसमें बॉयलिंग करने वाला काम नहीं कर रहे, बस सीधा क्रश किया, टमाटर को टुकड़ों में काटा, उसको क्रश किया, क्रश करने के बाद आपने उसमें से जूस को अलग कर लिया पल्पर के द्वारा, ठीक है। जो फीचर्स हैं कोल्ड ब्रेक प्रोसेस के वो इस प्रकार से हैं। पहला है द यील्ड ऑफ जूस इज लो एज द एक्सट्रैक्शन इज कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट इन द कोल्ड प्रेस। जो उपज होती है जूस की बहुत ही कम मिलती है, जहाँ कह लो कि कम होती है हॉट ब्रेक प्रोसेस की तुलना में, ठीक है, दूसरी विधि की तुलना में कोल्ड पल्पिंग के अंदर उपज कम मिलेगी, जूस कम मात्रा में आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें हमें आप जो जूस है उसे आसानी से, जहाँ पल्प को आसानी से अलग नहीं कर पाओगे फ्रूट से, क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं है, तो जो पल्प है जहाँ उसके साथ जो कलर सब कुछ है वो ज़्यादा हिस्सा फ्रूट का बीज के साथ और छिलके के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, पतला रस ही प्राप्त मिले आपको मिलेगा। द जूस एक्सट्रैक्टेड इज लाइटर इन कलर बिकॉज द नेचुरल रेड कलर ऑफ टोमेटोज इज रिलीज्ड ओनली आफ्टर हीटिंग द पील। जो जूस का रंग होगा, ठीक है, वो हल्के रंग का होगा, मतलब लाल रंग, ज़्यादा लाल रंग का नहीं होगा जूस निकालोगे, क्योंकि कोल्ड प्रेस के अंदर क्या करते हैं अपने उबालते नहीं हैं। हाँ, अगर इसको हीट करते और उस छिलके को थोड़ा गर्म कर लेते तो उसमें जो लाल रंग था वो एक्सट्रैक्ट हो जाता, पर इसमें क्या होगा कि कोल्ड प्रेस के अंदर आपको कोल्ड पल्पिंग जो है इसके अंदर आपको जो रस मिलेगा वो हल्के रंग का मिलेगा, ठीक है। तीसरा है द कोल्ड ब्रेक प्रोसेस रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ द नेचुरल विटामिन सी इन द जूस ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर ड्यूरिंग जूसिंग। कोल्ड ब्रेक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो नेचुरल उसके अंदर विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जहाँ उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाता है, या फिर कह लो कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि जब अपने जूस निकालते हैं उसके दौरान उसमें हवा घुस जाती है जूस निकालते टाइम, ठीक है, और जो उसमें पेक्टिनेज एंजाइम होता है, सॉरी, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं होते, जहाँ कह लो कि वो एक्टिव होते हैं और वो विटामिन सी को उड़ा देते हैं या नष्ट कर देते हैं, ठीक है। जब गर्म करते हैं तो जितने भी विटामिन, जितने भी एंजाइम होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, तो उबालना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए कोल्ड प्रेस के अंदर जो विटामिन सी आपको मिलेगा फल के अंदर वो कम मिलेगा। द एक्सट्रैक्टेड जूस इज डाइल्यूट पॉसिबली ड्यू टू द एक्शन ऑफ द पेक्टिनेज एंजाइम कंटेनिंग इन नेचुरल पेक्टिन। तो जो एक्सट्रैक्टेड जूस होगा, ठीक है, वो पतला होगा, तनु होगा, क्योंकि इसके अंदर जो पैक्टिनेज एंजाइम है उसके कारण, नेचुरल पैक्टिन पाए जाने के कारण, ठीक है, जिसके कारण ये रस जो आपका है वो डाइल्यूट होगा, पतला होगा, क्योंकि उसमें पैक्टिनेज एंजाइम का एक्शन होगा पैक्टिन पे, नेचुरल पैक्टिन जो पाया जाता है फल के अंदर उसके कारण वो टूटेगा नहीं, मतलब पैक्टिनेज एंजाइम भी जो है न्यूट्रलाइज तब होता है, जहाँ डीएक्टिवेट तब होता है जब अपने उसको बॉयल करते, तो अपने बॉयल नहीं कर रहे तो उसमें जो जूस होगा वो पतला मिलेगा, क्योंकि उसमें पेक्टिनेज एंजाइम या फिर नेचुरल पेक्टिन पाया जाएगा। द टेस्ट ऑफ कोल्ड ब्रेक जूस इज मोर पंजेंट एंड मोर एसिटिक देन दैट ऑफ हॉट पल्प जूस।
और टेस्ट होगा कोल्ड ब्रेक जूस से निकालोगे आप उस जूस का, जो ज़्यादा पंजेंट होगा, ज़्यादा तीखा कह लो और ज़्यादा खट्टा कह लो, एसिटिक होगा, ठीक है। जो भी जूस निकलेगा वो ज़्यादा पंजेंट भी होगा और ज़्यादा एसिटिक भी होगा कोल्ड ब्रेक प्रोसेस वाला। कोल्ड पल्प जूस नीड्स टू बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉयलेज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो कोल्ड पल्प जूस होगा, मतलब कोल्ड पल्पिंग विधि के द्वारा आपने जूस निकाला हुआ होगा, उसको आपको तुरंत जैसे ही निकालोगे उसके बाद उसको प्रोसेस करना होगा, आगे उसका संसाधन करना पड़ेगा आपको, मतलब उसको आपको स्टरलाइज करना पड़ेगा, जिससे कि उसमें जो स्पॉयलेज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, सड़ाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं, वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है, उनको अवॉइड किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। देन सेकेंड है हॉट पल्पिंग। हॉट पल्पिंग सेकेंड विधि, अपने कोल्ड पल्पिंग पढ़ा था अभी। हॉट पल्पिंग को हॉट ब्रेक प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है। आफ्टर द फ्रूट इज ग्रेटेड और ग्राइंडेड द टोमेटोज आर बॉइल्ड इन ए प्रेशर कुकर स्टीम जैकेटेड स्टील कैटल और एल्यूमिनियम पैन टिल सॉफ्ट टू मेक इट ईजियर टू रिमूव द पल्प फ्रॉम द पल्पर, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे ही आपने फलों को रोलर के द्वारा क्रश किया था, ठीक है, ग्राइंड किया था, उसको पीसा था, उनको तुरंत बाद क्या करते हैं कि बॉयल कर लेते हैं, उबाल लेते हैं उस लुगदी को थोड़ी देर कुकर के अंदर, या फिर जो स्टेम जैकेट कैटल होती है, कैटली होती है, उसके अंदर, या फिर जो भिगोनी होती है एल्यूमिनियम की, उसके अंदर रख के जब तक कि वो नरम ना हो जाए तब तक उनको उबाला जाता है, टमाटर के जो आपने कुचला टमाटर है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद जो पल्प है उसको पल्पर के द्वारा अलग कर लेते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ हॉट पल्पिंग आर एज फॉलो। जो इसके प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला तो है हॉट पल्प एक्सट्रैक्ट डिस्ट्रॉय द एंजाइम पैक्टिनेज कंटेनिंग इन इट दैट वुड अदरवाइज हाइड्रोलाइज द पैक्टिन टू थिकन द एक्सट्रैक्टेड जूस। हॉट पल्पिंग के अंदर क्या करते हैं कि अगर अपने चाहते हैं कि इसमें जूस मोट गाढ़ा बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि इसमें जो पैक्टिनेज एंजाइम होता है उसको अपने गर्म करके डीएक्टिवेट कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो वो क्या करता है, जो उसके अंदर पैक्टिन है उसको हाइड्रोलाइज कर देता, ठीक है, उसके अंदर पैक्टिन पाया जाता, पैक्टिनेज एंजाइम उसको हाइड्रोलाइज कर देता। अब अपने क्या किया, उसके अंदर जो एंजाइम है उसको ही पहले डीएक्टिवेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया गर्म करके, तो जिससे आपका जूस होगा वो गाढ़ा बनेगा, थिक कंसिस्टेंसी का होगा। देन ऑन हीटिंग द नेचुरल लाइकोपिन रेड कलर प्रेजेंट इन द पील इज रिलीज इनटू द जूस। जैसे ही अपने उसको गर्म करेंगे तो जो उस फल के अंदर, जैसे टमाटर है, टमाटर के अंदर लाइकोपिन है रेड कलर वाला जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, लाइकोपिन के कारण रेड रंग होता है टमाटर का, तो वो जो छिलके के अंदर होता है वो जूस के अंदर आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा जूस के अंदर, मतलब जूस का रंग जो होगा वो ज़्यादा लाल होगा, गहरा होगा कोल्ड प्रेस की तुलना में। इसके अंदर जूस का रंग ज़्यादा गहरा होगा क्योंकि इसमें लाइकोपिन ज़्यादा मात्रा में रस के अंदर आ जाएगा। इट आल्सो पार्शियली स्टरलाइज द जूस टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे आप गर्म करोगे जूस को, बॉयल करोगे, तो जूस जो होगा आपका वो स्टरलाइज हो जाएगा, आंशिक पार्शियली कह लो, ठीक है, पार्शियली वो स्टरलाइज हो जाएगा, आंशिक रूप से उसका निर्जमीकरण हो जाएगा, जिससे कि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इट हेल्प्स इन द इनएक्टिवेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स विच सब्सिक्वेंटली लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द जूस एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा क्योंकि अपने गर्म कर रहे हैं तो जितने भी एंजाइम हो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसे ही उसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो एस्कॉर्बिक एसिड के साथ क्रिया करके उसको उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो जैसे ही अपने उसको गर्म करेंगे तो ये एंजाइम ख़त्म हो जाएगा और एस्कॉर्बिक एसिड फल रस के अंदर ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगा। द जूस यील्ड इन हॉट पल्पिंग इज हायर देन इन कोल्ड पल्पिंग। और जूस की जो उपज होगी वो हॉट पल्पिंग में कोल्ड पल्पिंग की तुलना में ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पल्प जल्दी से रिलीज हो जाएगी, मतलब पल्प छिलके से अलग हो जाएगी और रस के साथ ही बाहर निकल जाएगी। देन है जूस पल्प एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट्स। जो जूस और पल्प को एक्सट्रैक्ट करने के इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, तो पहला है कंटिन्यूस स्पायरल प्रेस, ठीक है, ये स्क्रू टाइप का जूसर या पल्पर भी आप एक तरीके के बोल सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग स्पायरल स्क्रू दैट
प्रेसेस द टोमेटो अगेंस्ट ए थिन स्क्रीन ऑफ फाइन मैश। इसमें क्या होता है कि एक सर्पिला आकार का एक स्क्रू लगा हुआ रहता है, ठीक है। एक आपने कई बार देखा हुआ होगा, जो मैंने जूस वाली आपको बताई थी पहले भी कि एल्यूमिनियम के, उनमें स्क्रू टाइप एक स्क्रू लगा हुआ रहता है। जैसे ही आप उसके अंदर टमाटर डालते हो, छिलका डालते हो, ठीक है, मतलब टमाटर डाले या कोई भी फल डाला, वो एक स्क्रू के द्वारा, ठीक है, रिंग्स के द्वारा आगे 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 सरकता जाता है और उस पर प्रेशर बढ़ता जाता है फ्रूट के ऊपर, और उसका जितना भी रस है, पल्प है, वो नीचे निकल जाता है, एक साइड निकल जाता है, और उसमें से जो नहीं निकलने वाला होता है उस छलनी में से, ठीक है, प्रेशर के कारण छलनी में से नहीं निकल पाता, वो दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है, ठीक है। द जूस पासेस थ्रू द स्क्रीन वाइल द सीड्स एंड रिंड आर रिमूव फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द सीड्स, ठीक है, उसमें से बाहर निकल जाता है, जितना भी जो बीज होते हैं, छिलका होता है, वो बाहर निकल जाता है। सेकेंड होता है पल्पर। द पल्पर कंसिस्ट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल सिलेंडर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। द हैवी पेडल्स रोटेड रैपिडली इनसाइड द सिलेंडर अलाउड द पल्पर फाइन पल्प्स टू पास थ्रू द स्क्रीन सीव्स विच इज कलेक्टेड सेपरेटली वाइल द रिंड सीड फाइबर पीसेज एक्सेट्रा पास थ्रू द आउटर एंड ऑफ द मशीन। इसमें क्या होता है, पल्पर के अंदर एक कह लो कि एक सिलेंडर है, एक बेलन के आकार का एक सिलेंडर है, बेलनाकार लंबड़ा सा, ठीक है, जो क्षैतिज रखा हुआ है। उसके अंदर एक तो छन्नी की तरह है, उसमें भी जो स्टील का आपको बताया ऊपर सिलेंडर है, उसके अंदर भी छन्नी लगी हुई है, जहाँ कह लो कि उसके अंदर छेद किए हुए हैं, और उसके अंदर पैडल, एक कह लो कि पैडल रोटेड होते रहते हैं, अंदर घूमते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी फल हैं या सब्जी आपने अंदर डाले हैं, उसके अंदर टमाटर के पीस डाले हैं, उनमें ऊपर प्रेशर पड़ता है और छलनी में से जितना भी जूस और पल्प होती है वो एक नीचे निकलता जाता है। और वैसे ही जैसे अपने स्क्रू टाइप के अंदर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो नहीं निकल पाता छलनी से, वो एक साइड इकट्ठा होता जाता है, ठीक है, एक साइड बाहर निकलता जाता है, दूसरे अंत जो रहता है वहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर डोमेस्टिकली क्या करते हैं कि अगर क्रश टोमेटो है तो उसमें जो मैनुअली भी फिल्टर कर लेते हैं, जो जूस आपने निकाला है उसको स्टील की जो छन्नियाँ रहती हैं उनसे अलग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिनिशिंग एंड होमोजेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, आफ्टर एक्सट्रैक्शन, जैसे ही आपने पल्प या जूस निकाल लिया पल्पिंग मशीन के द्वारा, कॉमन साल्ट 0.4 to 0.6% एंड शुगर 1% आर एडेड टू द एक्सट्रैक्ट पल्प जूस टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो आपने अंतिम उत्पाद बनाया है उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें नमक और चीनी कुछ मात्रा में 1% मिला देते हैं, ठीक है। फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन द लिक्विड जूस इज मिक्सड विद द पल्प एंड होमोजेनाइज टू प्रोवाइड ए थिक कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्म अपीयरेंस। जो लिक्विड जूस होता है उसके साथ में पल्प को मिक्स किया जाता है, जिससे कि एक जैसा, ये कह लो कि आपको भी पता है कि जो भारी कोलाइड्स, जैसे अपने कोई कोलाइडर सस्पेंशन या कह लो कि कोई लिक्विड है, टमाटर का जूस होगा, तो उसमें जो भारी तत्व या कह लो उसके छिलके या कह लो कि उसके गुद्दे के जो भारी भाग होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अगर आपने उसको थोड़ी देर रखेंगे तो। उसको मिक्स किया जाता है उसको कि एक जैसी कंसिस्टेंसी बन जाए, गाढ़ा बन जाए, पूरा एक जैसा गाढ़ा बन जाए, पानी अलग ना हो, ठीक है, भारी तत्वों से। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें होमोजेनाइजेशन किया जाता है। होमोजेनाइजेशन के लिए पहले तो क्या करते हैं, उस जूस को 66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसको गर्म करते हैं, उस जूस को उबाला जाता है, ठीक है। फिर उसके अंदर, वो भी हाई प्रेशर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर, जहाँ पे 70 किलो पर वर्ग सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, प्रेशर कुकर के अंदर उसको 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उसके अंदर बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो सेम साइज़ के हो जाते हैं, वो श्रेडेड हो जाते हैं और सेम साइज़ के बन जाते हैं, ठीक है, जिससे कि जूस पूरा घुल जाता है, जूस के अंदर जो उसका पल्प डाली है वो जूस, पतले जूस के अंदर घुल जाती है, और एक जैसा आपको होमोजेनाइजेशन मिल जाता है, जो होमोजेनाइज जूस मिल जाएगा एक जैसा, ठीक है, समरूप। देन फिलिंग,
भाई आप जूस आपने बिल्कुल एक जैसा बना लिया है, उसमें फिनिशिंग कर दिया, चीनी नमक डाल दिया जितनी मात्रा में डालना है, ठीक है। उसके बाद होमोजेनाइजेशन भी कर लिया, मिक्स कर लिया, बिल्कुल एक जैसा आपने घोल तैयार कर लिया। फिर होता है उसके बाद फिलिंग करना। फिलिंग मतलब द फिनिश्ड जूस इज हीटेड टू 82 to 88 डिग्री सेल्सियस। जो फिनिश्ड जूस होगा उसको स्टरलाइज किया जाएगा, जहाँ उसको कह लो पास्चराइज किया जाएगा 82 से 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, एंड सर्व्ड इन प्री स्टरलाइज्ड ग्लास बोतल्स। उसके बाद उनको पहले से निर्जमीकृत की हुई कांच की बोतलों के अंदर भर देते हैं। द बोतल्स आर देन हर्मेटिकली सील्ड यूजिंग क्राउन कोर्क एंड स्टरलाइज इन बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 25 to 30 मिनट। उसके बाद क्या करते हैं, बोतलों के अंदर भर दिया, क्राउन कोर्क कर दिया आपने उसके ऊपर, ठीक है। क्राउन कोर्क होता है जैसे आपने पहले सॉफ्ट ड्रिंक वाली, जैसे कोल्ड ड्रिंक वाली बोतलें मिलती थी पहले कांच वाली, उनके ऊपर ढक्कन लगा हुआ रहता था, वो क्राउन कोर्किंग मशीन के द्वारा लगता है, उसको क्राउन कोर्किंग कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इनकी जो जूस की बोतलें रहती हैं उनके ऊपर वैसा ढक्कन लगा देते हैं, और हर्मेटिकली लगाया जाता है कि उसमें से कोई हवा बाहर ना निकले, जब जूस लीक ना हो। उसके बाद वो बोतलें हैं जो उनको गर्म गर्म पानी के अंदर उबलते हुए 100 डिग्री सेल्सियस के पानी के अंदर उन बोतलों को डुबो देते हैं 25 से 30 मिनट तक, ठीक है, जिससे उसमें कोई भी हवा या कोई उसमें बैक्टीरिया स्पोर्स मौजूद हैं तो वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। फिर टिपिकली स्टरलाइजेशन टाइम्स एट 100 डिग्री सेल्सियस आर 25 मिनट्स ए टू कैंस, 30 मिनट्स ए टू हाफ कैंस एंड 40 मिनट्स ए 10 कैंस फॉर कैन ऑफ डिफरेंट साइजेज। इसमें जो स्टरलाइजेशन का टाइम होता है, ठीक है, बोतलों के लिए तो आपने लिख लिया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट तक उसको किया जाता है, पर कभी कभी उसकी बोतल की जगह केन का यूज़ किया जाता है। अब केनिंग जो है, मैं तुम्हें बताऊंगी, जब मैं कैनिंग वाला तुम्हें टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि केन कितने साइज के होते हैं, ठीक है, कितना उनका आकार होता है और कितनी उसमें क्वांटिटी के अंदर उत्पाद आ जाता है, प्रोडक्ट उसको भरा जाता है, वो मैं तुम्हें कैनिंग के अंदर बताऊंगा। हाँ, वहाँ पे यही आप पढ़ेंगे कि ए टू कैंस के अंदर कितना साइज होता है, क्या होता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए टू कैन है, जहाँ जैसे ए टू हाफ कैन है, तो इसका कितना मतलब इसका डायमेंशन रहता है केन का, ठीक है, केन होता है डिब्बा। तो जो ए टू कैंस होते हैं इसे 25 मिनट काफ़ी रहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उबालते हुए, और ए टू हाफ के लिए 30 मिनट चाहिए होते हैं, ये थोड़ा बड़ा होता है, और ए 10 कैन के लिए 40 मिनट काफ़ी रहते हैं क्योंकि ये उससे भी बड़ा होता है। तो जिस हिसाब से कैन का साइज़ होता है उसके हिसाब से उनको टाइम गर्म पानी के अंदर उतने टाइम तक उनको रखा जाता है, ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा टाइम तक उनको पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर स्टरलाइज किया जाता है। देन लेबलिंग एंड स्टोरेज आफ्टर स्टरलाइजेशन, जैसे ही स्टरलाइजेशन किया ख़त्म हो जाता है, केन्स आर कूल्ड एंड स्टोर्ड इन ए कूल ड्राई प्लेस। केन जो होते हैं उनको ठंडा कर लेते हैं और ठंडे और शुष्क जगह पे उनको भंडार कर लेते हैं, उनको भंडारित कर लेते हैं। द ग्लास बोटल्स आर अलाउड टू कूल इन द एयर, और जो ग्लास बोतल होती हैं उनको हवा के अंदर ठंडा किया जाता है, क्योंकि ग्लास कांच की बोतलें हैं, उनको ठंडे पानी के अंदर डुबोगे गर्म गर्म को तो वो टूट जाएगी बोतल, ठीक है। तो बोथ द बोटल्स एंड कैंस आर लेबल्ड बिफोर दे आर सेंट टू द मार्केट। जो बोतल और केन दोनों को मार्केट में भेजने से पहले उनके ऊपर लेबलिंग कर दी जाती है कि भाई ये चीज़ है, इसके अंदर इतना TSS है, इसके अंदर ये कंटेंट है, इतनी तारीख को ये पैकिंग किया गया, इतनी तारीख को ये एक्सपायर होगा, मतलब उसमें लेबलिंग कर दी जाती है, उस पर लेबल लगा देते हैं। देन सेकंड उत्पाद है टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी क्या है? टोमेटो प्यूरी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोमेटो पल्प आफ्टर इवोपरेशन और कंसनट्रेशन ऑफ जूस पल्प इंटू डिज़ायर टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स विद और विदाउट साल्ट। टोमेटो प्यूरी क्या है कि ये एक पल्प के एवोपरेशन से, एवोपरेशन कह लो जहाँ उसमें से पानी को उड़ाकर उसको गाढ़ा किया जाता है या कंसनट्रेट किया जाता है उस जूस और पल्प को, ठीक है, कि जितना अपने को TSS चाहिए होता है उतना, उतने लेवल तक, ठीक है, मतलब उसको जो जूस है, ठीक है, जहाँ पल्प है उसको थोड़े देर खुले बर्तन के अंदर पकाया जाता है जिससे कि उसमें से जितना भी पानी है वो उड़ जाए, वाष्प बन के उड़ जाए और वो गाढ़ा हो जाए जितना कि अपने को TSS चाहिए होता है उस हिसाब तक। इसमें नमक होता भी है कई बार प्यूरी के अंदर, कई बार बिना नमक के भी आप उस चीज़ को बना सकते हो प्यूरी, ठीक है।
एज पर PFO स्पेसिफिकेशन सॉरी FPO स्पेसिफिकेशन टोमेटो प्यूरी मस्ट कंटेन एट लीस्ट 9% टोमेटो सॉरी टोटल सॉल्युबल सॉलिड इन एक्सक्लूडिंग साल्ट। जो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अनुसार जो टमाटर प्यूरी होती है उसके अंदर 9% TSS होना चाहिए उसका, 9 डिग्री ब्रिक्स कह लो या 9% उसका TSS होना चाहिए नमक को छोड़कर। द परसेंटेज ऑफ टोटल सॉल्युबल सॉलिड इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड एट द प्रोडक्ट लेवल। जो परसेंटेज है उसकी TSS की वो जो भी डिब्बा होगा उसके ऊपर आपको डिक्लेयर करनी होगी कि भाई उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें इतना TSS है, ठीक है। जो लेबलिंग की हुई रहती है जैसे अभी आपको एक केन दिख रहा है, केन कहते हैं इनको, ठीक है, इनको केन कहा जाता है। तो इनके ऊपर आपको मेंशन करना होगा कि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट है और कितने परसेंट उसका TSS है, ठीक है। नेक्स्ट मैथड ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ टोमेटो प्यूरी, मैथड जो टोमेटो प्यूरी को बनाने का है, टू मेक प्यूरी टोमेटो पल्प इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइप टोमेटोज यूजिंग आइदर हॉट और कोल्ड पल्पिंग मेथड। प्यूरी बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, जो टोमेटो पल्प है, ठीक है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। टोमेटो पल्प जो आपने पहले अभी पढ़ा है जूस और पल्प, सेम उसी विधि से हॉट विधि से या कोल्ड पल्पिंग विधि से उसको जूस या पल्प को तैयार कर लेते हैं उसी विधि से, ठीक है, जो अभी पहले अपने जूस पल्प के अंदर पड़ी, भले हॉट यूज करो भले कोल्ड यूज करो। द पल्प जूस इज कंसनट्रेटेड आइदर इन ए स्टीम जैकेट केटल यूजिंग एन ओपन कुकिंग मेथड और यूजिंग ए वैक्यूम पैन। जो पल्प और जूस होता है उसको गाढ़ा करते हैं, उसको कंसनट्रेट करते हैं या तो स्टीम जैकेट के अंदर या फिर ओपन जो कुकिंग मेथड होता है जैसे एल्यूमिनियम का आपने भिगोना ले लिया उसमें आप उसको धीरे धीरे आँच पे उबालते रहो जिससे कि पानी उसमें से उठता जाए और वो गाढ़ा होता जाए, या फिर वैक्यूम पैन के द्वारा, ठीक है। वैक्यूम पैन क्या होते हैं, ये एक तरीके के बंद होते हैं जिसमें कम तापमान के अंदर आप उसमें से पानी को जल्दी उड़ा सकते हो। ज़्यादा तापमान रहेगा तो उसमें से जो उसके कलर है या उसके अंदर विटामिन सी है वो उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जब वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए वैक्यूम पैन जो कुकिंग है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। हाउएवर वैक्यूम पैन कुकिंग इज डिज़ायरेबल एट द जूस पल्प बॉइल्ड एट ए वेरी लो टेम्परेचर 71 डिग्री सेल्सियस रिजल्टिंग इट रिटेन्स द ओरिजिनल रेड कलर एंड फ्लेवर अमंग विद नेचुरल विटामिन सी। जबकि जो वैक्यूम पैन कुकिंग है वो ज़्यादा डिज़ायरेबल होती है, ज़्यादा अच्छी रहती है जूस पल्प को बॉयल करने के लिए कम तापमान पर, 71 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर, ठीक है। नहीं तो टेम्परेचर 100 के आसपास पहुंच जाएगा आप जब बॉयल करोगे जूस पल्प को, तो उससे क्या होगा कि उसमें जो नेचुरल कलर है उसका जो फ्लेवर टेस्ट है टमाटर का और जो उसमें विटामिन सी है वो उड़ जाएगा। तो वैक्यूम के अंदर ऐसा नहीं होता, वैक्यूम ढका हुआ रहता है, निर्वात पैदा किया हुआ होता है और उसमें से जो भी वाष्प बनेंगे उसको बाहर खींचा जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो इससे क्या होगा कि उसका जो ओरिजिनल रेड कलर होगा, फ्लेवर होगा और विटामिन सी होगा वो बना रहेगा। द पल्प इज कंसनट्रेटेड टू द डिजायर्ड सॉलिड्स। जो पल्प है उसको जितनी भी आपने को आवश्यकता है 9 से 12 TSS तक कंसनट्रेट किया जाता है, उसको गाढ़ा कर किया जाता है। पैकेज्ड इन प्री स्टरलाइज बोतल्स द क्राउन इज कॉर्क एंड प्रोसेस्ड इन बॉइलिंग वाटर फॉर 25 to 30 मिनट्स। उनको पहले से निर्जमीकृत की हुई बोतलों के अंदर भर दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, क्राउन लगा देते हैं, क्राउन कोर्किंग कर देते हैं। उसके बाद उन बोतलों की फिर से प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग से मतलब है उनको स्टरलाइज किया जाता है एक तरीके से 25 से 30 मिनट तक, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के गर्म पानी के अंदर 25 से 30 मिनट तक उन बोतलों को रखते हैं, ठीक है, फिर ठंडा कर लिया जाता है। टोमेटो प्यूरी कैन आल्सो बी प्रिजर्व बाई एडिंग सोडियम बेंजोएट 250 ppm बेंजोइक एसिड। जो टोमेटो प्यूरी है इसको सोडियम बेंजोएट से भी प्रिजर्व किया जाता है 250 ppm की मात्रा से, बेंजोइक एसिड की मात्रा के द्वारा, ठीक है। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, मेरे लेक्चर के अंदर सोडियम बेंजोएट से भी प्रिजर्व किया जाता है, थोड़ी मात्रा में इसको मिला देते हैं। फॉर पैकिंग इन टिन कैंस टोमेटो प्यूरी इज हीटेड टू 82 to 88 degrees Celsius एंड देन प्रोसेस्ड एट 100 degrees Celsius फॉर 20 मिनट्स आफ्टर द कैन इज क्लोज्ड। अगर आपने इनको कैन के अंदर, टीन के जो कैन रहते हैं जो अभी पिक्चर के अंदर थे, ठीक है, उनके अंदर पैक करना है तो पहले इसको गर्म करते हैं प्यूरी को, ठीक है, 82 to 88 degrees Celsius तक। उसके बाद गर्म गर्म को भरने के बाद, जो कैन बंद करने के बाद, उनको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के गर्म पानी के अंदर 20 मिनट तक उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद कैन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है।
पहले तो ढक्कन लगाते हैं, लूज लगाते हैं, फिर उसके बाद गर्म पानी में रखने के बाद उसको टाइट कर देते हैं कैन के ढक्कन को, भी जिसमें उसमें जो भी हवा है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो बाहर निकल जाएं। फिर देन है थर्ड जो प्रोडक्ट, टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट क्या होता है? एक कंसनट्रेटेड टोमेटो जूस और पल्प विदाउट स्किन एंड सीड एंड कंटेनिंग नॉट लेस देन 25% ऑफ टोमेटो सॉलिड्स इज नॉन एज टोमेटो पेस्ट। जो कंसनट्रेटेड टोमेटो का जूस और पल्प होता है जिसमें छिलका और बीज नहीं होते, ठीक है, और कम से कम 25% इसका TSS होता है, उसको टोमेटो पेस्ट कहा जाता है। अब मैं एक और बात बताऊं, जो अभी अपने टोमेटो प्यूरी पड़ी है, टोमेटो प्यूरी के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि आप उसमें पल्प और जो जूस है उसको कंसनट्रेट करो, ठीक है। प्यूरी के अंदर हो सकता है कि आप सीधा का सीधा जो फल है उसको बॉयल कर लो, सॉफ्ट कर लो और उसके बाद उनको पैक कर दो, उसमें बीज भी हो सकते हैं और छिलका भी हो सकता है, पर टोमेटो पेस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। टोमेटो पेस्ट जो होता है उसमें बीज और छिलका रहित होता है, बिल्कुल जो टोमेटो के जूस और पल्प के द्वारा ही बनाया जाता है आगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंसनट्रेशन टोमेटो पेस्ट कैन बी फर्दर ग्रुप्ड इनटू 3 ग्रुप्स। उसकी जो कंसनट्रेशन है, ठीक है, कि उसमें कितना TSS है, उसके आधार पर इसको आगे 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जा सकता है टोमेटो पेस्ट को। पहला है लाइट टोमेटो पेस्ट कंटेनिंग 25 to 29% ऑफ साल्ट फ्री टोमेटोज। इसके अंदर लाइट टोमेटो पेस्ट के अंदर क्या होता है, 25 से 29% TSS होता है बिना साल्ट के, ठीक है, साल्ट फ्री होते हैं टोमेटोज। मीडियम टोमेटो पेस्ट कंटेनिंग 29 to 30% ऑफ साल्ट फ्री टोमेटोज, और मीडियम जो पेस्ट रहेगा मतलब स्ट्रेंथ उसके हिसाब से है, 25 से 29 लाइट, उससे थोड़ा सा गाढ़ा मीडियम, ठीक है, 29 से 33 गाढ़ा हो गया, और उससे भी ज़्यादा हैवी टोमेटो पेस्ट कंटेनिंग नॉट लेस देन 33% ऑफ साल्ट फ्री टोमेटोज, मतलब उसके अंदर 33% या फिर उसका TSS जो होगा 33% से कम नहीं होना चाहिए, जो हैवी टोमेटो पेस्ट कहलाएगा, ठीक है। इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। फिर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टोमेटो पेस्ट, टोमेटो पेस्ट बनाने का जो मेथड है, विधि है, टोमेटो पल्प और जूस इज कंसनट्रेटेड इन ओपन पैन टू 40 to 50% सोल्युबल सॉलिड्स। जो टोमेटो पल्प होती है या जूस जो आपने पहले उस विधि से निकाला कोल्ड प्रेस या होल्ड प्रेस से, कोल्ड या हॉट ब्रेक प्रोसेस से, उसके बाद उसको क्या करते हैं कि उसको फिर कंसनट्रेट करते हैं, उसको गाढ़ा करते हैं, लगभग 14 से 15% जब उनका TSS हो जाता है, टोटल सोल्युबल सॉलिड होता है, तब तक उसको गाढ़ा करते हैं। इट इज़ देन कंसनट्रेटेड इन वैक्यूम पैन, उसके अलावा इसे वैक्यूम पैन के अंदर, ठीक है, जो पहले भी अपने पढ़ा था टोमेटो प्यूरी के अंदर कि वैक्यूम पैन को यूज़ करना चाहिए, उसके अंदर इसको कंसनट्रेट करते हैं एंड पैक्ड इन प्री स्टरलाइज्ड बोतल्स इन ए हेडेड स्टेट। उसके बाद पहले से निर्जमीकृत की हुई बोतलों के अंदर बिल्कुल ढक्कन तक या कह लो कि पूरा हेड तक उसको भर दिया जाता है। इन लार्ज स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स टोमेटो पेस्ट इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वैक्यूम एवोपरेटर्स एंड पैक्ड इन ए टीन कैन और ब्लक असेप्टिक पैक्स। लार्ज स्केल के अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं बड़े लेवल पे, उनमें क्या होता है कि जो टोमेटो पेस्ट होता है उसको वैक्यूम एवोपरेटर्स जो होते हैं, जहाँ वैक्यूम पैन कह लो एक तरीके के पैन, ठीक है, भिगोने रहते हैं वैक्यूम वाले, उनके द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि उसमें जल्दी पानी सूख जाता है, उसके अंदर जो विटामिन सी है, उसका नेचुरल रंग है, उसका नुकसान कम से कम होता है वैक्यूम पैन के अंदर या वैक्यूम एवोपरेटर्स के अंदर, ठीक है, उसके अंदर। उसके बाद उनको जो टीन के डिब्बे होते हैं जहाँ जो असेप्टिक पैकेजेस होते हैं, जैसे अपने सॉस वाले आते हैं, ठीक है, LDPE के, ठीक है, लो डेंसिटी थाइपोलिथीन के, तो उनके अंदर उनको पैक कर दिया जाता है। टोमेटो पेस्ट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टोमेटो प्रोडक्ट्स लाइक केचप, सूप एंड सॉसेज एक्सेट्रा। इसके अलावा जो टोमेटो पेस्ट होता है उसका फिर आगे से यूज किया जा सकता है, टोमेटो भी एक वैसे तो पेस्ट को सीधा भी यूज कर सकते हैं, पर टोमेटो पेस्ट को आगे और भी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे केचप बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो, सूप बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो, सॉस बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। सूप बनाना है तो उसको हल्का कर लेते हैं, लाइट कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। देन है टोमेटो केचप। नेक्स्ट, टोमेटो केचप इज ए कमर्शियल प्रोडक्ट मेड बाय कन्वर्टिंग फ्रेश टोमेटो जूस पल्प और यूजिंग टोमेटो प्यूरी और टोमेटो पेस्ट।
जो टोमेटो कैचअप है ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसे जो फ्रेश टोमेटो जूस है या पल्प है जो आपने पल्प और जूस बनाया था उससे, या फिर जो प्यूरी या फिर पेस्ट बनाया था उसको यूज़ करके बनाया जाता है। इट इज़ मेड बाय कंसनट्रेटिंग द जूस और पल्प और टोमेटो विदाउट द सीड एंड रिन। इसमें जो जूस और पल्प होती है उसको बिना बीज और छिलके के गाढ़ा किया जाता है, ठीक है। सेम प्रोसीजर होता है सभी के अंदर अलग अलग कंसिस्टेंसी रहती है, ठीक है। उनके और इसके अंदर एक खासियत क्या है, स्पाइसेस, सॉल्ट, शुगर, विनेगर, ऑनियन, गार्लिक एक्सेट्रा आर एडेड टू द एक्सटेंट दैट द केचप कंटेंट्स एटलीस्ट 12% टोमेटो सॉलिड्स एंड एटलीस्ट 25% टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स वजन के हिसाब से, ठीक है। तो इसके अंदर एक और चीज़ क्या है, इसमें मसाले, नमक, चीनी, सिरका, प्याज, लहसुन, ये सारे के सारे जो स्पाइसेस या मसाले हैं ये ऐड किए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि उसका जो टमाटर के सॉलिड्स हैं, ठीक है, कठोर जो टमाटो है वो 12% उसके अंदर सॉलिड्स हों। इसके अलावा उसका जो TSS है वो 25% हो, ठीक है, 25% उसका TSS हो। द जनरल मेथड फॉर मेकिंग टोमेटो कैचअप इज एज फॉलो, जो जनरल विधि है इसको बनाने की वो इस प्रकार से है। तो पहले तो है रेसिपी फॉर कैचअप, क्योंकि पहले तो अपने पढ़ रहे थे उनमें क्या था, उनमें कोई प्रोडक्ट डल नहीं रहा था, अलग से कुछ डालना ही नहीं था, बस उस टमाटर के जो जूस है पल्प उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद उसको गाढ़ा करते थे। अब क्या है कि अपने कैचअप बना रहे हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको मसाले ऐड करने पड़ेंगे। जैसे टोमेटो जूस है आपको 1 लीटर चाहिए, 1 लीटर जूस के लिए बना रहे हैं अपने, ये मान लेना, ठीक है। ऑनियन चॉप कटा हुआ जो प्याज है आपको 35 से 40 ग्राम चाहिए होगा, गार्लिक चॉप्ड है 5 to 10 ग्राम है, रेड चिल्ली पाउडर 2 to 3 ग्राम, स्पाइसेस जैसे क्लोव, कार्डामोम, ब्लैक पेपर, सिनेमोन यानी कि लौंग, इलायची, काली मिर्च और दालचीनी, या और भी कोई मसाला आपको डालना है तो 4 ग्राम ईच, मतलब प्रत्येक 4 ग्राम। इसके अलावा ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है, ठीक है, सिंथेटिक जो एसिटिक एसिड होता है, सिरका होता है, वो 2 to 3 ml। इसके अलावा शुगर, चीनी 20 to 30 ग्राम, इसके अलावा नमक 10 ग्राम, इसके अलावा उसको प्रिजर्व करने के लिए बेंजोइक एसिड 750 ppm यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग किताब के अंदर आपको अलग अलग रेसिपी मिल जाएगी कि आपको कौन कौन सा चीज़ कितनी मात्रा में डालना है, और वैसे भी उसके स्वाद को चेंज करने के लिए आप कुछ भी उसमें मसाला ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से उसमें मसाले को ऐड किया जा सकता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है, फिर भी एक बेसिक सा ये मसाले यूज़ किए जाते हैं। देन है मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टोमेटो कैचअप। इन टोमेटो कैचअप टोमेटो जूस इज कंसनट्रेटेड विद स्पाइसेस, साल्ट, शुगर एक्सेट्रा। जो टोमेटो के अंदर जो कैचअप है उसके अंदर टोमेटो जूस को गाढ़ा करते हैं, उसके अंदर मसाले, नमक, चीनी मिलाकर आदि को मिलाकर। अबाउट 1/3 ऑफ द शुगर इज एडेड इनिशियली एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग। जो चीनी जितनी भी डालनी है अपने, उसका जो 1/3 है उसको जब शुरुआत करनी है उसको उबालना, ठीक है, उसको गाढ़ा करने के लिए अपने उबालेंगे तो उस टाइम चीनी की 1/3 मात्रा तो उसी टाइम ऐड कर देनी है, ठीक है, जब बॉयल करना स्टार्ट करेंगे। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज एडेड ए लिटल बिफोर द कैचअप इज रेडी। और जो शेष मात्रा बचेगी उसको बिल्कुल लास्ट के अंदर डालना है, जब बिल्कुल तैयार होने वाला होगा आपका सॉस तब डालना है। साल्ट इज एडेड एट द एंड ऑफ बॉइलिंग। और नमक है उसको भी बिल्कुल बॉइलिंग के अंत में डालना है, जब रेडी होगा तब, ठीक है, रेडी होने वाला होगा लास्ट में, आपको लगेगा कि अब रेडी होने वाला तब उसमें नमक मिलाना है। अदरवाइज इस टर्न द टोमेटो वाइट। इसके अगर इसको ऐसा पहले डाल दिया तो ये क्या करेगा, जो टोमेटो है उनको वाइट कर देगा, टोमेटो के ऊपर आपको वाइट वाइट कलर की लेयर दिखने लग जाएगी। द स्पाइसेज आर प्लेस्ड इन ए मसलिन क्लॉथ बंडल एंड द बंडल इज प्लेस्ड इन ए मिक्स बॉइलिंग मिक्सचर। फाइनली द क्लॉथ बंडल इज प्रेस्ड टू स्क्वीज आउट द स्पाइसेज एंड बंडल इज रिमूव। उसके अलावा अपने जो मसाले हैं उन सभी को पहले आपको दरदरा सा पीस लेना है, दरदरे से कहने का मतलब है कि मोटा मोटा आपको पीस लेना है। पीसने के बाद उन मसालों की एक पोटली बना लेनी है मसलिन क्लॉथ के अंदर, उसको बांध लेना है साफ कपड़े के अंदर, और जो उबल रहा आपका जूस होगा पल्प होगी उसके अंदर उसको लटका देना है, जहाँ आप बांध के ढंग से उसके अंदर डाल दो, और धीरे धीरे क्या होगा कि जो स्पाइस का अंदर उसके अंदर उसका टेस्ट है मसालों का सारा आपकी सॉस के अंदर आ जाएगा, और लास्ट में जब अपने रेडी होने वाला होगा तो मसालों की पोटली को ढंग से निचोड़ के उसको बाहर निकाल देना है, आपको रिमूव कर देना है, ठीक है।
Vinegar should be added when the ketchup is thickened enough to so that the acid does not evaporate. विनेगर जो है उसको भी आपको तब डालना है जब आपका जो जूस है पर्याप्त रूप से गाढ़ा हो गया होगा, जहां आप कह लो कि बिल्कुल बनने वाला ही है सॉस, तब डालना है कि जो उसके अंदर एसिड है वो एवोपरेट ना हो, वो उड़े ना. टोमेटो केचप यूजली कंटेन्स 1.25 to 1.50% एसिड. तो टोमेटो केचप होता है उसके अंदर 1.25 to 1.50% उसमें एसिड पाया जाता है, मतलब उसमें एसिड होता है. ठीक है, टोमेटो केचप इज़ टिपिकली कुक्ड अंटिल इट हैज़ 25 to 30% सॉलिड्स, ऑफ विच 12% आर टोमेटो सॉलिड्स. टोमेटो केचप को तब तक पकाते हैं कि जब तक उसमें 25 to 30% तक सॉलिड्स ना बन जाए, मतलब उसका TSS 25 to 30 के बीच में ना चला जाए, और उसमें से भी 12% जो है टोमेटो सॉलिड्स ही हों. चीनी और नमक और इसका जो TSS है वो अलग है. ठीक है, तो 12% टोमेटो का हो. हॉट केचप 88 degrees Celsius इज फिल्ड इन टू ए प्रीस्टलाइज ग्लास बोटल्स क्राउन कोप्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर 30 minutes एंड कूल्ड टू रूम टेम्परेचर. जो केचप गर्म गर्म केचप बन गया जब, ठीक है, उसको 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म होगा जब उसको पहले से निर्जमीकृत की हुई, जब प्रिस्टलाइज की हुई जो बोतलें रहती हैं उनके अंदर गर्म गर्म को भर देना है. उसके बाद आपको उसको क्राउन कोर्क कर देना, ऊपर से ढक्कन लगा देना है और 30 मिनट तक उनको प्रोसेस्ड करना है, स्टरलाइज करना है. ठीक है, जिससे कि उसके बाद उनको कमरे के तापमान पर ठंडा करना है, मतलब बाहर रख के हवा के अंदर इसको ठंडा करना है. बेंजोइक एसिड इज एडेड एज ए प्रिजर्वेटिव इन टोमेटो केचप, और बेंजोइक एसिड है उसको प्रिजर्वेटिव के रूप में टोमेटो केचप के अंदर 750 ppm के रूप में मात्रा में डाला जाता है. देन है टोमेटो सूप, पांचवा जो है टोमेटो सूप. नाउ डेज टोमेटो सूप इज़ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट. आजकल के दिनों के अंदर जो टोमेटो सूप है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि सूप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं स्टार्टर के रूप में. इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पल्प और टोमेटो जूस. इसे टोमेटो की पल्प से या फिर टोमेटो के जूस से तैयार किया जाता है. बटर और क्रीम, स्पाइस, स्टार्च एक्सेट्रा आर यूज टू मेक सूप. बटर जो है, ठीक है, क्रीम, इसके अलावा मसाले, जो स्टार्च, इसको यूज करके सूप को बनाया जाता है. दीज आर मिक्सड इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड टेस्ट, और इन सभी को अलग अलग मात्रा में जैसा अपने स्वाद चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग स्वाद बनाने के लिए अलग अलग प्रोपोर्शन अलग अलग मात्रा के अंदर डाला जाता है कि इतनी मात्रा में आपको क्रीम डालनी है या बटर डालना है या मसाले इस मात्रा में, ये मसाला ज़्यादा डालना है, ये कम डालना है, ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, मतलब अपनी मात्रा अपने हिसाब से डिपेंड की रहती है कि कितनी अपने को डालनी है. देयर आर मैनी रेसिपीज दैट गिव टोमेटो सूप इट्स बेस्ट क्वालिटी. बहुत सी रेसिपी हैं टोमेटो के सूप बनाने की, ठीक है, जो इसकी बेस्ट क्वालिटी के अंदर जो भी बना सकते हैं कि भाई बेस्ट क्वालिटी के अंदर बनाना है, तो बहुत सी रेसिपी हैं इसके लिए. पहले एक जनरल सा जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपको सूप बनाना है, तो टोमेटो जूस या फिर पल्प 1 liter, सॉल्ट, जो नमक है 20 gram, शुगर चीनी 25 gram, इसके अलावा लाल कार्डमोम, ब्लैक पेपर, सिनेमोन, क्यूमिन, जीरा, ठीक है, 1 gram ईच. ऑनियन चॉप्ड कटे हुए प्याज 20 gram, इसके अलावा लहसुन कटी हुई 5 gram, रेड चिल्ली 5 gram, क्रीम और बटर 25 gram, एरारूट स्टार्च 10 gram. एरारूट स्टार्च उसको गाढ़ा करने के लिए डाला जाता है, ठीक है, एरारूट स्टार्च डाला जाता है 10 gram. इसके अलावा वाटर 350 ml, ठीक है, पानी की भी ज़रूरत होती है. देन मेथड टू मेक टोमेटो सूप, मेथड विधि क्या है. द जूस इज बॉइल्ड इन ए पान टू कंसनट्रेट इट. जो जूस होता है उसको उबाला जाता है कि उसको वो गाढ़ा हो जाए. पुट द स्पाइसेस इन ए क्लॉथ बैग एज इन टोमेटो केचप. इसके अंदर भी जो मसाले हैं उनको एक थैली बना के, एक पोटली बना के, जैसे टोमेटो केचप के अंदर डाला था, सेम मसालों के बैग को उसके अंदर, थैली को उसके अंदर डाला जाता है. ठीक है, एक भिगोने के अंदर आप सूप बना रहे हो, उस भिगोने के अंदर आपको जितने भी मसाले हैं उनको मोटा मोटा पीस के एक थैली में भर लेना है, कपड़े की एक थैली बना लेनी है मसलिन क्लॉथ की. उसके बाद उस थैली को या उस पोटली को आपको उबलते हुए जूस के अंदर डाल देना है. एंड पुट इट इन द पैन वाइल इट इज़ कुक, ठीक है. देन मीन वाइल एरा रूट एंड बटर आर मिक्सड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ जूस टू फॉर्म ए स्मूथ पेस्ट एंड देन एडेड टू द बॉइल्ड जूस. फिर उसके बाद आपको जो एरा रूट है, ठीक है, बटर है, ये
कुछ स्मॉल थोड़ी मात्रा में उसके अंदर मिला देना है, जिससे कि जो पेस्ट है वो स्मूथ बन जाए, ठीक है, सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपको उसके अंदर जूस ऐड कर देना है, जूस उबलता हुआ जूस मिला देना है। इट इज़ कंटिन्यूस टू बॉयल। उसके बाद उसको लगातार उबालते रहना है, हिलाते हुए कंटिन्यूसली, स्टीरिंग कंटिन्यूसली लगातार हिलाते हुए, अनटिल द डिज़ायर्ड थिकनिंग और कंसिस्टेंसी, जब तक कि अपनी जो जितना आपने गाढ़ा चाहते हैं जूस बनाना, ठीक है, जितनी उसकी कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हैं उतना, जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक उसको निरंतर हिलाते हुए पकाते रहते हैं। फाइनली एडिंग शुगर एंड साल्ट, द मिक्सिंग मिक्सचर इज़ बॉयल्ड फॉर अबाउट 2 मिनट्स सो दैट इज डिजॉल्व। लास्ट में उसमें चीनी डाल के उसे 2 मिनट तक और पकाते हैं, ठीक है, लास्ट में चीनी और नमक मिलाते हैं, उसके बाद उसको 2 मिनट तक और पका लेते हैं। द हॉट सूप 88 डिग्री सेल्सियस इज सफिशियंट इंटू कैंस, सॉरी स्टिप्ड इंटू कैन एंड प्रोसेस्ड एट 100 to 110 degrees Celsius फॉर 20 to 45 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कैन एंड क्विकली कूल डाउन आफ्टर प्रोसेसिंग। उसके बाद गर्म गर्म जो सूप होगा 88 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म, उसको कैन के अंदर, कैनों के अंदर भर देते हैं। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं लगभग 20 से 45 मिनट तक, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक रखना है, कि केन का कितना साइज़ है उसके आधार पर उसको। नेक्स्ट है टोमेटो पाउडर। द टोमेटो जूस इज कन्वर्टेड इनटू ए फ्री फ्लोइंग हाईली हाइग्रोस्कोपिक पाउडर बाय यूजिंग डिफरेंट ड्राइंग मेथड्स। समटाइम द नेचुरल टोमेटो फ्लेवर इन पाउडर फॉर्म इज इनकॉर्पोरेटेड टू कंपनसेट एनी लॉस ऑफ फ्लेवर। जो टोमेटो का जूस है, ठीक है, उसको सुखाने की विभिन्न विधियों के द्वारा एक मुक्त पाउडर के रूप में, एक बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक पाउडर के रूप में बदल दिया जाता है। मतलब जो रस होता है उसको, उसमें से पानी को एवोपरेट कर दिया जाता है, उसमें से पानी को सुखा के उसको एक पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, जो कि पानी बहुत ज़्यादा आर्द्रताग्राही होता है, मतलब नमी को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, ऐसे पाउडर के रूप में उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो और इस पाउडर का जो यूज़ होता है वो बहुत से खाद्य पदार्थों के अंदर मिलाया जाता है कि उसमें जो नेचुरल टमाटर का स्वाद आ सके, ठीक है। इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं कि अपने कोई खाद्य बना रहे हैं, कोई आप बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, उसके अंदर आपको टमाटर का, नेचुरल टमाटर का स्वाद चाहिए, तो उसमें आप इस चीज़ को मिला सकते हो। जूस कैन बी कन्वर्टेड इंटू पाउडर बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स लाइक स्प्रे ड्राइंग, रोलर ड्राइंग एंड फोमेड ड्राइंग। जो पाउडर है, जूस को बहुत सी विधियां हैं जिससे कि पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, जैसे स्प्रे ड्राइंग से भी बनाया जाता है, रोलर ड्राइंग से भी बनाया जा सकता है, मतलब पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फोममेड जो ड्राइंग विधि है उससे भी इसे ड्राई किया जा सकता है। अब ये ड्राइंग की जो विधियाँ हैं, रोलर, स्प्रे, फॉर्म, ये अपने डिहाइड्रेशन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर अपने इनको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टोमेटो कॉकटेल। टोमेटो कॉकटेल क्या है? टोमेटो कॉकटेल कंसिस्ट ऑफ टोमेटो जूस मिक्स्ड विद कॉमन साल्ट, विनेगर, सोया सॉस, लाइम और लेमन जूसेस इन वेरिंग प्रपोर्शन टू सूट द टेस्ट। जो टोमेटो कॉकटेल है, इसको आप कह सकते हो कि जो टमाटर का रस होता है उसके अंदर नमक, सिरका, सोया सॉस, लाइम और लेमन का जो जूस होता है, अलग अलग अनुपात में स्वाद के अनुसार मिलाया जाता है कि भाई अपने को स्वाद चेंज करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा मिला दिया, अगर स्वाद और थोड़ा सा चेंज करना है तो कम मिला दिया, मतलब अपने स्वाद के अनुसार इसमें जो जूस है लाइम का और लेमन का उसको मिलाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर यूज और सम टाइम्स सर्व्ड फ्रॉम स्टॉक। इसे जैसे ही यूज़ करना होता है, मतलब अपने को आज इसको पीना है तो उसी टाइम बनाया जाता है, जहाँ फिर क्या करते हैं कि इसको कभी कभी बना के स्टॉक कर लिया जाता है, स्टॉक बना के उसको यूज़ किया जाता है आगे पीने के लिए। द जनरल रेसिपी फॉर ए टोमेटो कॉकटेल इज़ एज फॉलो। जो सामान्य विधि है टमाटर के कॉकटेल बनाने की वो इस प्रकार से है। पहले तो रेसिपी क्या है कि मतलब इसके सामग्री क्या चाहिए, इंटीग्रेडिएंट क्या चाहिए। वैसे जो इंटीग्रेडिएंट हैं वो स्वाद के अनुसार होते हैं कि भाई अपने चाहें तो उनको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। टोमेटो जूस 5 लीटर, कॉमन साल्ट जो नमक है 100 ग्राम, स्पाइसेस जैसे क्यूमिन जीरा है, कार्डम इलायची, कोरिएंडर धनिया, सिनेमोन, दालचीनी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च 2 ग्राम ईच, मतलब सारी 2-2 ग्राम। इसके अलावा क्लोव्स, हेडलेस मतलब जो लौंग है वो बिना फूल वाले,
ठीक है, ऊपर उसका जो सिर होता है वो नहीं होना चाहिए, हेड नहीं होना चाहिए, 5 नंबर्स 5। इसके अलावा रेड चिल्ली पाउडर 5 ग्राम, इसके अलावा सिरका 300 ml, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। देन मेथड टू मेक टोमेटो कॉकटेल, कैसे बनाते हैं। पहले जो टमाटर का रस होता है उसको एक ढके हुए भिगोने के अंदर उबाला जाता है लगभग 20 मिनट तक, ठीक है। देन टाई द स्पाइसेस इन ए क्लॉथ बैग एज डन इन केचप। इसके बाद एक पोटली बना लेते हैं, जितने भी मसाले थे उनको पीस कर, जैसे कि अपने केचप के अंदर डाली थी, सेम एक पोटली बना के इसके अंदर भी डाल देते हैं, ठीक है। व्हेन कुक्ड ऐड विनेगर एंड साल्ट टू इट। जब अपने इसको पका रहे होते हैं उसी टाइम इसमें सिरका भी मिला देते हैं और नमक भी मिला दिया जाता है। द कॉकटेल इज़ रेडी बाई मिक्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट एंड द हॉट कॉकटेल 88 डिग्री सेल्सियस इज फिल्ड इन टू क्रिस्टलाइज ग्लास बॉटल्स क्राउन कोर्क एंड प्रोसेस्ड फॉर 30 मिनट्स एंड कूल टू रूम टेम्परेचर। उसके बाद जो कॉकटेल है, जितने भी इंग्रेडिएंट मिला देते हो आप, ठीक है, उसके बाद वो तैयार हो जाता है। उसके बाद उसे गर्म गर्म 88 डिग्री सेल्सियस का जो गर्म गर्म होता है, पहले से जो निर्जमिक अगर या फिर कह लो स्टरलाइज की हुई बोतलें होती हैं उनके अंदर मिक्स उसके अंदर भर दिया जाता है। उसके बाद क्राउन, उसके ऊपर क्राउन कोर्किंग कर दी जाती है, ढक्कन लगा देते हैं, फिर उनकी प्रोसेसिंग करते हैं। सेम विधि है जैसे कि अपने आगे पहले वालों में पढ़ा है, प्रोसेसिंग करते हैं 30 मिनट तक, मतलब उसको गर्म गर्म 100 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी के अंदर 30 मिनट तक रखते हैं उन बोतलों को, फिर कमरे के टेम्परेचर तक उसको ठंडा किया जाता है, ठीक है। फिर है प्रॉब्लम्स मेकिंग सॉस और केचप। अब एक और चीज़ बता दूँ, मैंने अभी सॉस तुम्हें नहीं पढ़ाया, क्योंकि केचप और सॉस की जो रेसिपी है बिल्कुल सेम सी है, हाँ थोड़ा जो अंतर है वो इनकी कंसिस्टेंसी के अंदर अंतर आता है। जो सॉस होती है वो पतली होती है, थिनर होती है, ठीक है, और केचप थिकर होता है, थोड़ा मोटा होता है। और कई किताबों के अंदर आपको ये भी मिल जाएगा कि सॉस के अंदर जो केचप है वो सॉस तो है पर सारी की सारी जितनी भी सॉसेज होती हैं वो केचप नहीं होती। हाँ ये भी एक एग्जांपल कह सकते हो आप कि सॉस के अंदर जो मिठास होती है यानी कि चीनी मिलाई जाती है वो कम मिलाई जाती है या नहीं मिलाई जाती, जब मीठी जो भी स्पाइसेज होती हैं वो नहीं मिलाई जाती सॉस के अंदर, जबकि केचप के अंदर सब कुछ मिलाया जाता है। और केचप जो है अपने, ठीक है, वो अभी ट्रेडिशनल कह लो एक तरीके के, अभी ज़्यादातर केचप यूज़ किया जाता है, सॉस कम यूज़ की जाती है। सॉस अलग अलग उत्पाद बनाया जा सकता है, जैसे सोया सॉस है, मतलब अलग अलग फल की या कह लो कि अलग अलग प्रोडक्ट की बनाई जा सकती है, ठीक है। देन प्रॉब्लम्स मेकिंग सॉस और केचप, क्या प्रॉब्लम आती है सॉस और जब अपने केचप बनाते हैं उस टाइम, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये डेफिनेशन में भी पूछी जाती है, ब्लैक नेक। ब्लैक नेक क्या है, ठीक है, तो ब्लैक नेक क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक रिंग्स इन द नेक ऑफ द बोटल इज कॉल्ड द ब्लैक नेक। कभी कभी तुमने देखा हुआ होगा जो सॉस की बोतल होती है जहाँ कह लो कि केचप की जो बोतल होती है उसका जहाँ बिल्कुल ढक्कन लगाते हैं जिस जगह पे, वहाँ से कुछ काला हो जाता है सॉस, मतलब ढक्कन के साथ क्रिया करके वहाँ पे काला रंग बना देता है, तो इसी को ब्लैक नेक कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो वो ढक्कन तो खोलने के कारण बार बार ऑक्सीडेशन होता है, कुछ जीवाणु क्रिया करते हैं, बैक्टीरिया बाहर से आए जब खोलोगे तब होता है, पर हाँ वैसा ही एक रिंग बन जाता है, अंदर की साइड भी बन जाता है वह काले रंग का, उसको ब्लैक नेक कहते हैं। पर हाँ वहाँ पे भी क्रिया सेम ही होती है जो ऊपर सॉस है, क्योंकि उसके ऊपर आप बार बार लिड लगा रहे होते हो, ढक्कन लगा रहे होते हो, जो एक धातु का होता है उसके साथ उसके अंदर जो एसिड है, एसिटिक एसिड, वो क्रिया करता है, ठीक है, जिसके कारण भी वो ब्लैक रंग का हो जाता है। तो अब एक सिंपली भाषा में कहो तो जो सॉस की बोतल के अंदर आप कह लो, ठीक है, काला हो जाना उसका एक रिंग के रूप में, जहाँ सॉस ऊपर ऊपर से तक भरी हुई है वहाँ पे काला हो जाना ऊपर से उसकी सतह का एक रिंग के रूप में, तो वो ब्लैक नेक कहलाता है। दिस इज़ ड्यू टू आयरन एंटरिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मेटल ऑफ द इक्विपमेंट और फ्रॉम द कैप क्राउन कोर्क एंड रिएक्टिंग विद द एसिटिक एसिड। ये क्यों होता है, कारण क्या है कि जो लोहा है, आयरन है, वो जो उसके प्रोडक्ट के अंदर जहाँ कह लो कि आपने इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उसको पैकिंग करते टाइम, या क्राउन के जो ढक्कन बना हुआ होता है वो मेटल का बना हुआ होता है, धातु का बना हुआ होता है, वो एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करता है, ठीक है, एसिटिक एसिड मेटल के साथ क्रिया करता है, धातु के साथ या आयरन के साथ क्रिया करता है। दस आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द टैनिंस ऑफ स्पाइसेस टू फॉर्म फेरस टैनेट विच गेट्स ऑक्सीडाइज टू ब्लैक फेरस टैनेट। फिर क्या होता है कि जो आयरन होता है
वो जो मसाले होते हैं, ठीक है, अपने मसाले डाले, उसके अंदर लौंग डाला है जिसके अंदर टैनिन पाया जाता है, अगर फूल वाला लौंग डाल देते हैं, ठीक है, मतलब उसके ऊपर हेडेड आपने लौंग डाला है, तो उससे क्या होगा कि उस फूल वाले भाग के अंदर टैनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। वो टैनिन क्या करेगा, जो ऊपर आयरन का ढक्कन है, जैसे ही उस बोतल के ढक्कन के साथ आपकी सॉस लगेगी तो उसके साथ वो क्रिया करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए डिहाइड्रेटेड जो लौंग होते हैं वो डाले जाते हैं कि उसमें टैनिन कम से कम हो उस सॉस के अंदर, ठीक है। जैसे ही उसके साथ क्रिया करेगा तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बनता क्या है, तो पहले क्या होता है कि फेरस टनेट बनता है, ठीक है, फेरस टनेट उससे क्रिया करेगा जब टैनिन से, तो फेरस टनेट बनेगा, आयरन टैनिन से क्रिया करेगा, तो मसालों के अंदर जो टैनिन है उससे क्रिया करेगा तो फेरस टनेट बनेगा, और उसके बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है जिससे ब्लैक फेरिक टनेट बनता है, जो कि ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का फेरिक टनेट बनाता है, जिससे वहाँ पे ब्लैक नेक या ब्लैक रंग का वो घेरा बनता है, ठीक है। याद रखना ये पूछा जाता है कि किसके कारण बनता है, तो ब्लैक फेरिक टनेट के कारण वहाँ पे ब्लैक रंग का घेरा बनता है। ब्लैक नेक कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज, जो ब्लैक नेक है इसे विभिन्न विधियों से बचा जा सकता है, या उससे आप रोक सकते हो, या कह लो कि प्रोडक्ट है उसमें ना हो, ठीक है। तो पहला तो है, हॉट सॉस शुड नॉट बी फिल्ड एट ए टेम्परेचर बिलो 85 डिग्री सेल्सियस, जो गर्म गर्म सॉस या कैचअप है उसको कभी भी 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ठंडी होने पे बोतलों में नहीं भरना, मतलब इससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे है, जब 85 से 88 के बीच में है तब आपको उनको बोतलों के अंदर भरना है, अगर ठंडी है तो बोतलों के अंदर नहीं भरना, आपको गर्म करके ही भरना है, ठीक है, पहला। तो दूसरा है, द बोतल शुड लीव वेरी लिटल स्पेस एट द टॉप, द मोर द एयर द जनरेट द ब्लैकनेस, जो बोतल जब अपने भरते हैं, ठीक है, सॉस की बोतल भरोगे कांच वाली, तो उसमें जो हेड स्पेस होगा, हेड स्पेस से मतलब है खाली जो बोतल छोड़ेंगे अपने, बहुत ही कम होनी रहनी चाहिए, अगर जितनी ज़्यादा खाली रहेगी उसमें ज़्यादा एयर रहेगी उतना ज़्यादा वो ब्लैकनेस करेगी, ठीक है, कम खाली रहनी चाहिए बोतल, बिल्कुल सिरे तक भरी हुई रहनी चाहिए, वैसे थोड़ी सी खाली रखी जाती है। उसके अलावा रिड्यूसिंग कंटामिनेशन फ्रॉम आयरन, इसके अलावा जो आयरन के इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, कोशिश करना है कि उनसे उस कॉन्टामिनेशन से आपको बचें, ठीक है, रिड्यूस हो, कम से कम हो। शुगर इज़ पार्शली रिप्लेस्ड बाय कॉर्न सिरप और ग्लूकोज सिरप विच कंटेन्स सल्फर एंड प्रिवेंट डार्कनिंग, शुगर की जगह आप चेंज कर सकते हो, कॉर्न सिरप ऐड कर दो या फिर ग्लूकोज सिरप ऐड कर दो, क्योंकि इसमें सल्फर पाया जाता है, कॉर्न सिरप और ग्लूकोज के अंदर सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर इस डार्कनिंग को रोकने का काम करेगा, मतलब जो आप सिंपली एक शुगर या चीनी मिलाते हो उसकी जगह आपको कॉर्न सिरप या फिर ग्लूकोज सिरप ऐड करनी है जिसमें सल्फर पाया जाए, जो कि इस डार्कनिंग को प्रिवेंट करता है, इससे बचाता है। इसके अलावा एडिशन ऑफ 100 ppm सल्फर डाइऑक्साइड और 100 mg एस्कॉर्बिक एसिड, इसके अलावा आप उसके अंदर या तो 100 ppm सल्फर डाइऑक्साइड मिला दो, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सिंपली मिला दो, अगर आप कॉर्न सिरप या ग्लूकोज सिरप यूज़ नहीं कर रहे, सल्फर डाइऑक्साइड मिला दो, या फिर उसकी जगह आप 100 mg एस्कॉर्बिक एसिड मिला दो, ठीक है, फिर भी उसमें ब्लैकनिंग है जो नहीं होगी। इसके अलावा होल्डिंग द बोतल हॉरिजेंटली और अपसाइड डाउन सो दैट द एयर जो है CO2 इज़ डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द बोतल एंड देयर बाय लोअर इट्स कंसनट्रेशन सफिशेंटली टू अवॉइड डार्कनिंग ऑफ द नेक। आपने जो बोतलें भंडार की हैं, ठीक है, भंडारण के अंदर रखी हैं, उन बोतलों को आपको क्षैतिज रखना है, मतलब सीधी खड़ी नहीं रखनी, उनको लेटा देना है, या फिर उसका जो ढक्कन वाली जगह है उसको नीचे कर देना है, ढक्कन वाली साइड को बोतलों को, इससे क्या होगा जो उसके अंदर हवा है, जो नेक स्पेस के अंदर बची थी वो हवा क्या होगी इधर उधर बिखर जाएगी, चारों तरफ ऑक्सीजन बिखर जाएगी, जिससे कि एक ही जगह पे ना रख टिकने के कारण उसके अंदर जो नेक ब्लैक नेक वाली जगह है वहाँ पे काला रंग पैदा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा यूज़ क्लोव ओनली आफ्टर रिमूविंग द लोअर सॉरी फ्लोवर और हेड, जो क्लोव्स हैं उनको आपको उसका जो फ्लोवर या हेड कह लो उनको तोड़ के हटाने के बाद ही मसाले के रूप में पोटली के रूप में उसके अंदर आपको ऐड करना है, ठीक है,
जो लौंग है बिना फूल वाले लौंगों लौंग को ही यूज़ करना है। पहले लौंग को आपको रिमूव, लौंग का जो फूल है जहाँ हेड है उसको आपको रिमूव करना है। उसके बाद जो बचेगा उस भाग को मसाले के रूप में या मसाले की जो पोटली रहेगी उसके अंदर हल्का पीस कर डालना है, ठीक है। सीधा लौंग आपको यूज़ नहीं करना है। थैंक यू।